बिहार के विकास और बिहार से जुड़े हुए जो विषय हैं, जो किसी भी राज्य सरकार की एक जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने में यह सरकार बिल्कुल असफल हो गई। बिहार जो विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ा था एनडीए की सरकार में, लेकिन वो सारी चीज़ें धुंधली हो रही। जो बातें मंच से आई है, ये बिहार दिवस के कार्यक्रम के अवसर पर उस मंच का राजनीतिक उपयोग है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि ना इन्हें पीएम बनने की हड़बड़ी है, चिंता है, और ना हमें सीएम। अब इसको लेकर विवाद शुरू हो गया है। भाजपा का मानना है कि नीतीश कुमार के भविष्य का फैसला राजद करेगी, और ऐसे में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का बड़ा बयान सामने आया है तेजस्वी और मुख्यमंत्री नीतीश को लेकर। उन्होंने कहा है कि अब ये दुर्दशा नीतीश कुमार की हो गई है कि राष्ट्रीय जनता दल उनका फैसला कर रही है। सुनवाते हैं उनके पूरे बयान को, कैसे भारतीय जनता पार्टी के तरफ से उन्होंने नीतीश को ऑफर दिया है, स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि अपोह की स्थिति है और ऐसे में मुख्यमंत्री को सोचना होगा। बिहार के विकास और बिहार से जुड़े हुए जो विषय हैं, जो किसी भी राज्य सरकार की एक जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने में यह सरकार बिल्कुल असफल हो गई है। जब इसकी चर्चा होती है या हम सब सदन के माध्यम से या आम तौर पर इन बातों को रखते हैं, तो फिर इनके उप मुख्यमंत्री बोलते हैं कि ना मुझे मुख्यमंत्री बनना है ना उन्हें प्रधानमंत्री बनना है। जब नीतीश कुमार जी राजनीतिक दृष्टि से क्या बनेंगे ये जब राष्ट्रीय जनता दल तय कर रहा हो, और फिर जमा खा जी फिर एक दूसरी बात को कह रहे हो, तो आप समझ सकते हैं कि ये इस महागठबंधन में इतना उपाहोप है कि राज्य की जो समस्याएं हैं, राज्य के विकास में जो किसी भी सरकार की प्रतिबद्धता होती है, जो उसका दायित्व होता है, उसका निर्वहन बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं, और इस तरह की चीज़ों में उलझकर बिहार जो विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ा था एनडीए की सरकार में, लेकिन वो सारी चीज़ें धुंधली हो रही है। एक बार लेकिन एक चीज बताइए, विशेष राज्य का दर्जा की मांग एक बार फिर से उठ रही है। देखिए, कल जिस प्रकार से बिहार दिवस के उद्घाटन सत्र में जो बातें मंच से आई है, ये बिहार दिवस के कार्यक्रम के अवसर पर उस मंच का राजनीतिक उपयोग है। कुछ अप्रत्यक्ष रूप से टिप्पणियां भी आई है। जो राशि भारत सरकार दे रही है उसे तो ये खर्च नहीं कर पाते हैं, उसकी उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं भेजते हैं, कभी प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री सीधे बात नहीं करते हैं। आखिर ये मुझे लगता है कि पूरे भारत की राजनीति में ये पहला अवसर है जब किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री अपने राज्य के विकास के लिए अपने देश के प्रधानमंत्री के साथ संवाद नहीं करता हो। इस आप समझ सकते हैं कि इनकी मंशा केंद्र से सहयोग लेने में नहीं है। अलबत्ता केंद्र अपने उसका जो मापदंड है या उससे भी आगे बढ़कर, आपने देखा होगा कि श्री गडकरी जी ने किस प्रकार से बिहार में सड़कों का जाल बिछाने का काम किया है, लेकिन जो मुख्यमंत्री अपने प्रधानमंत्री से नहीं बात करता हो, वो विशेष राज्य की दर्जे की मांग करना, कुछ केंद्र का सहयोग नहीं मिल रहा है, उसको अलग अलग स्वरूपों में रखना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उनके मन के भाव को दर्शाता है कि उन्हें बिहार के विकास में रुचि नहीं है। वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अपने को समतुल्य तुलना करते हैं। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बिहार की राजनीति में पनपी है, ये रुकना चाहिए। अगर आप मुख्यमंत्री हैं तो आपको प्रधानमंत्री से बात करना पड़ेगा, और प्रधानमंत्री से बात करके बिहार के विकास। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे वो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।